केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जा रही है। इसी के तहत कसरावत में भाजपाइयों के द्वारा सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के जितेंद्र सुराड़ा ने कहा कि पहले योजनाएं कागजों की धूल फांकती रहती थी, आज एक ही कार्यकाल में योजनाएं बनती भी है और जमीन पर उतरती भी है। शिलान्यास और उद्घाटन दोनों एक ही कार्यकाल में होता है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। जो योजनाएं बनाई जाना है उसको निरंतर आगे पहुंचाने का लक्ष्य रख रही है। हम किसानों को लेकर के बहुत ही ज्यादा सजग हैं। हमने मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को मिला करके 12,000 रुपये का लक्ष्य अब लिया है और उसे भी हम पूरा करने जा रहे हैं। जैसे कि लाडली बहना योजना, आप सब लोग विदित हैं कि आगामी समय में प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने का ये एक बहुत बड़ा काम शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है और इसमें जो संख्या के साथ महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया है, मुझे ऐसा लगता है वो नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा आधार ये योजना बनी है और हम आशा करते हैं प्रदेश की महिलाएं इस प्राप्त धन को अपने कौशल के साथ लेकर के और परिवार के निर्वहन में, जीवन यापन में, अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।